उत्तराखंड से हैं प्रणव, स्वागत है आपका। लेडी है जिनकी उम्र है 54 और उनको 8 साल पहले ये बताया गया था उनके नसों में पानी भर गया है और थोड़ा उनकी कई जगह नसें फूली हुई हैं, उसमें दर्द होता है और कई लोगों ने ये बताया था कि डॉक्टर्स ने कि ऑपरेशन होगा, गैंग्लोनो टाइप समथिंग कुछ बताया था उन्होंने। तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे कहने से और आपके कहने से एफ केयर और एस केयर का एक ही डब्बा खत्म किया, उससे हल्का सा फायदा शुरू हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा घरेलू नुस्खा इसके लिए भी बताएं और आगे क्या करना है। कि दूसरा सवाल, इनकी फैमिली में इनकी जो बेटी है उनकी एज है 34 ईयर्स, इनको सारे टेस्ट करा लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब चेक करा लिया, इसमें इनको बताया कि चेस्ट वीक है यानी इनका जो लंग्स है वो वीक है और घबराहट बहुत होती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है और वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, तो बॉडी वीक रहती है अंदर से। तो ये दूसरा सवाल। तीसरा, इनका जो छोटा बच्चा है 7 साल का है समझी, उसकी ग्रोथ और हाइट नहीं बढ़ रही है, एक ये हो गया। तो ये तो एक फैमिली के 3 लोग हो गए। और जो एक मैं अपनी मदर के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ, मेरी मदर कई बार कॉल लगाती है, कृष्णा गोयल नाम है। तो उनको एक तो शुगर है बहुत टाइम से, बीपी अप एंड डाउन इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत लो हो जा रहा है कभी ठीक हो जा रहा है, लेकिन एज है उनकी 62। तो मेरी मदर की जो शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा अभी बढ़ गई है, वो काफी टेंशन में भी रहता है, तो इसके लिए भी एक नुस्खा बताएं। मेरा कोई नुस्खा ले रहे हैं आपकी आपकी मम्मी? मेरा कोई नुस्खा ले रहे जी मम्मी आपकी? मेरा कोई नुस्खा ले रहे? हाँ बिल्कुल, आपका नुस्खा एक तो गोंसिया वगैरह आपने जो भी बताया था वो ले रहे हैं, उससे फायदा है। लेकिन मैं फिर भी इसलिए पूछना चाह रहा था अकीम जी, जैसे कि एटलीस्ट शुगर और बीपी अप डाउन जो आजकल इनका हो रहा है कि किस वजह से हो रहा होगा पता नहीं, शायद टेंशन की वजह से, तो मैं ये पूछा, वो सब ले रहे हैं जो सफिस्तान उन्नाव वगैरह आपने सब बताया, पापा के लिए भी बताया था वो भी ले रहे हैं। कि एक तो मेरे जानने में है उनको अस्थमा है, बहुत ज्यादा एज नहीं है, 38 एज है, तो इसका भी आप नुस्खा बताएं। ये सारे सवाल है मेरे, अब प्लीज आप मुझे बताइए। देखिए ये जो सफिस्तान वाला नुस्खा मैं बताता हूँ, सफिस्तान उन्नाव अलसी, ये तो आप खुद ही बना सकते हैं। ये 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीप लें, इनको पाउडर बना लें, उन्ना आपकी गुठली निकाल लेना। कभी लोग नहीं जानते हैं तो उन्ना आपकी गुठली समेत पीस लेते हैं तो दुश्वारी होती है, तो उन्ना आपकी गुठली निकाल लें और डॉक्टर्स की दवा भी खाएं, एकदम छोड़े नहीं। लेकिन ये जो जड़ी बूटी कच्ची दवाएँ मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया की अच्छी दवाएँ कहलाती हैं, अगर आप इसे भरोसा करके, मुझ पर भी नहीं, दवा पे भी नहीं, भगवान पे भरोसा करके लें। और ये पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से, 1 चम्मच रात को, और ठंडी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करा दें 5 महीने के लिए, और ये उनको नुस्खा दें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है, ज़रूरत पड़े तो कोई भी दवा डॉक्टर की ले सकते हैं, इस दवा को लगातार जारी रखें दुआ के साथ कि उनको फ़ायदा हो जाए। जो देखिए फ़ायदा शुरू हो गया उनको, और चर्बी का परहेज करें, एनिमल फैट का परहेज करें और ये नुस्खे लेना शुरू कर दें। 1 डब्बे में इतने ही फ़ायदे की उम्मीद रखें और कम अज़ कम 5-6 महीने इलाज करें, मुझे उम्मीद है इनको फायदा होना मुमकिन है। 7 साल का एक बच्चा है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और हाइट भी कम है। हाँ, बच्चों को गौन मोरिंगा सफ़ेद 0.5 ग्राम और दूध में मिलाकर, दूध में मिलाएं तो उसके जायके का बना दें उसे, 0.5 ग्राम तो गौनसिया मिलाएं और जो वो फ्लेवर या पसंद करता हो वो वैसा कर दें उसे, मीठा जितना चाहे मिला दें उसमें, और 2-4 कतरे या 1 चम्मच अगर अच्छा बादाम का तेल मिले खाने वाला, मालिश वाला नहीं, तो वो भी मिला दिया करें, ये एक टाइम देना शुरू करें, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। अपनी मदर के लिए पूछा है इन्होंने, शुगर है, बीपी हाई लो रहता है और टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, 62 एज है। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा बच्चा जिनका है उनको टेंशन किस बात की है? ये तो बच्चा भगवान का इनाम है जो दूसरों को काम करता है
और माँ को क्या टेंशन है। बहरहाल ये माएँ जो है ना टेंशन में आती हैं, और बीपी शुगर भी एक बड़ा टेंशन का रोग है, छोड़ता नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ और बीपी और घबराहट, इन सब को दूर करने के लिए कलौंजी का सिरका एक एक या दो दो चम्मच दो बार खाने के बाद, या खाने में मिलाकर सालन में मिला लेते हैं सब्जी में, ज़रूर दिया करें और लगातार दें। और फिर भी टेंशन नहीं जाए तो जो घर में खाना बनता है उसमें धनिया काफ़ी डाला करें, ये हजम भी करता है। या अगर वो खा सके तो धनिया आधा आधा चम्मच दो बार कभी भी खा लिया करें दिन में, नहीं खा सके अटकता है गले में, मैं भी खाता हूँ अक्सर, तो शहद में मिला के खा लें, शहद नुकसान देता है तो बलाई में मिला के खा लें। किसी भी तरह उनके पेट में आधा आधा चम्मच दो बार धनिया जाना चाहिए, तो वो टेंशन को भी कम रखता है। आखिरी सवाल है, 38 एज है, एक पेशेंट की अस्थमा की शिकायत है। देखिए वो अस्थमा के लिए खट्टी चीज़ों पर परहेज, और कम से कम 6-7 महीने इलाज करें, और सपिस्तान उन्नाव अलसी वही जो नुस्खा मैंने बताया था बना लें इस रेशो से कि 100-100 ग्राम ये लें सपिस्तान उन्नाव अलसी, और ये पीप लें 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और बहुत तेज़ नुस्खा, अच्छा काम करने वाला नुस्खा बनाना चाहते हैं तो चिलगोजे का गोंद भी 100 ग्राम लेके अलग से पीस कर रख लें पाउडर बना के, ये नुस्खा खाएं एक चम्मच भर के, और एक चुटकी ये चिलगोजे का गोंद इसमें मिला के अलग से खा लिया करें दिन में एक बार, और डॉक्टरों की दवाएं भी एकदम नहीं छोड़ें, 6-7 महीने उनको फ़ायदा होने में लग सकते हैं, बशर्ते वो खट्टी और ठंडी चीज़ें छोड़ दें। भगवान से खूब मदद मांगें, माँ जिंदा हो तो उनकी दुआ लें, फ़ायदा होना मुमकिन है।